जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनेद खान खान एस्टेट एलटीए सिटी लाहौर से, +9 2 3 2 1 5 4 7 6 मेरा नंबर है। मैं प्रॉपर एलटीए सिटी को डील करता हूँ और आज आपको एलटीए सिटी फेज़ वन की साइट विज़िट करवा रहा हूँ। इस पॉइंट पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये फिरोजपुर रोड है और ये 320 किनाल का थीम पार्क। ये फिरोजपुर रोड है, ठीक है। ये जो ट्रैफिक आ रही है लाहौर से, कसूर से आ रही है, लाहौर की तरफ जा रही है, और ये एलडीए सिटी। हम अब एंटर होते हैं एलडीए सिटी में। ये दोनों अतराफ पे एलडीए सिटी है। ये जो आप मेरे लेफ़्ट साइड पे आबादी देख रहे हैं, यहाँ पे 320 किनाल का थीम पार्क बनेगा और ये आबादी ये डिमोलिश कर देंगे। आप जो मेरे लेफ़्ट साइड का एरिया देख रहे हैं, ये सारा फेज़ वन का एरिया है। हम अब फिरोजपुर रोड से रेलवे लाइन हल्लोकी की तरफ जा रहे हैं और हमारा लेफ़्ट साइड का एरिया ये सारा एलडीए सिटी फेज़ वन का है। और राइट साइड पे भी हमारे एलडीए सिटी है, लेकिन वो सेक्टर 4 है। ये जो आबादी है ये सारी, ये सेक्टर 4 में आ रही है, एलडीए सिटी सेक्टर 4 में। और ये एलडीए सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये जितना डेवलप हुआ है ये ऑन ग्राउंड आप देख सकते हैं। ये मैं 20 जनवरी 2019 की अपडेट्स दे रहा हूँ। मैं फिर से दोहराता चलूँ, जुनेद खान बात कर रहा हूँ खान स्टेट एलडीए सिटी लाहौर से, +9 2 3 2 1 5 4 7 6 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं प्रॉपर एलडीए सिटी को डील करता हूँ और आज आपको एलडीए सिटी फेज़ वन की साइट विज़िट करवा रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है यहाँ स्क्रीन पे, यहाँ से आप मुझे नोट करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, एलडी सिटी का साइट ऑफिस है ये थोड़ा सा आगे। ये एलडीए सिटी का साइट ऑफिस है, यहाँ पे उनके जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं, वो कोई भी एलडीए सिटी में इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है तो वो रिपोर्ट कर देते हैं एलडीए को, फिर एलडीए आके वो कंस्ट्रक्शन गिरा देता है। वो ये हम आपको दिखाते हैं क्रिकेट प्लान स्टेडियम, इसकी भी मैंने पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है, वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। एलडीए सिटी में जो डेवलपमेंट हो रही है वो फेज़ वन के वो थोड़ा अंदर करके हो रही है डेवलपमेंट, और फ़िलहाल काम रुका हुआ है। वो ऑलरेडी कुछ जो एरिया वो डेवलप किया है वो हम आपको विज़िट करवाते हैं। ये जो मेन पे है ये सारा एग्रीकल्चर लैंड है, ये भी डेवलपमेंट पार्टनर्स ने परचेज़ नहीं किया। ये रोड है, ये सीधा आगे हल्लोक की जो इंटरचेंज है वहाँ पे जाएगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हम आपको इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। मेरा नंबर है +9 2 3 2 1 5 4 7 6। अगर आप एलडीए सिटी की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई रेट्स अपडेट लेना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पॉइंट पे हम इस वक्त खड़े थे, तो यहाँ से हम आए हैं फिरोजपुर रोड से, और ये ब्लू लाइन है, ये जो है नहर है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा जब हम आगे हैं, ये हवेली आगे, चेतू वाली हवेली जो गांव है, उसके बाद इस पॉइंट पे हम अब खड़े हैं। यहाँ से अब हमने यहाँ अंदर की साइड पे आना है।
और इस एरिया में वो डेवलपमेंट हो रही है जो हम आपको विज़िट करवाने वाले हैं। इस पॉइंट पे हम खड़े हैं, ये जो ऑन ग्राउंड आप देख सकते हैं, और इसके बाद अब नहर की जो जो रोड है वहाँ से अब हम एंटर हो रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे अजीज़ बेगम जहाँ का ट्रस्ट आएगा, जो कम्प्लेक्स है उनका, उसके लिए भी जो है मैप के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने ऑन ग्राउंड जो है उसको, मतलब एलडीए की जो है बाउंड्री से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे भी जो हमारे लेफ़्ट साइड का एरिया है वो फेज़ वन का है, और यहाँ पे आगे अब ये देख सकते हैं ये सारी जो ज़मीन है आगे तक ये सारी एलडीए ने परचेज़ की हुई है। ये जितना भी आप एरिया देख सकते हैं ये सारा एरिया एलडीए ने परचेज़ किया हुआ है। और ये हमारे राइट साइड पे देख लें, वो जो बाउंड्री वाले वो सोसाइटी है, ओलंपिक्स हाउसिंग सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, ओलंपिक्स कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, ये भी एलडीए से बाहर है मीन के एलडीए में, लेकिन वो अलग से उन्होंने छोड़ दिया उसकी चार दीवारी करके, उसको एक अलग से रास्ता दे देंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे ये सारा एरिया एलडीए सिटी का है और एलडीए ने ये परचेज़ किया हुआ है। और ये हमारे अब लेफ़्ट साइड पे देख लें, ये सारा एरिया एलडीए ने परचेज़ किया हुआ है। मैं 20 जनवरी 2019 के अपडेट्स दे रहा हूँ। ये वो रोड हैं जो अब तक डेवलप किए हैं इन्होंने। फ़िलहाल यहाँ पे काम रुका हुआ है, इंशाल्लाह अनकरीब जल्द ही यहाँ पे दोबारा प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे जितने भी ये छोटे छोटे रोड हैं, यहाँ पे मिनिमम रोड है वो 40 फीट का है जिसके ऊपर काम हुआ है अभी तक।